बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये वेस्टफील्ड शॉपिंग सेंटर की छोटी सी वीडियो है। वेस्टफील्ड शॉपिंग सेंटर जो है ये वाइट सिटी में है और ये लंदन का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर में शुमार होता है इसका, और तकरीबन 450 शॉप्स हैं और 5 फ्लोर्स पर है ये शॉपिंग सेंटर। और जब ये बना था तो इसकी कॉस्ट आई थी 1.6 बिलियन पाउंड। ये काफ़ी अच्छा शॉपिंग सेंटर है, काफ़ी बड़ा शॉपिंग सेंटर है लंदन का। और सबसे अच्छी बात ये सारी दुकानें कवर्ड हैं और कवर्ड एरिया में हैं और बहुत अच्छा है शॉपिंग सेंटर। और यहाँ पे जो फ्लावर्स की नज़र आ रहे हैं ये रियल फ्लावर्स हैं और इसको उन्होंने सेफ़ किया हुआ है। और इसकी कॉस्ट जो थी 25 पाउंड से स्टार्ट हो रहे थे इसकी प्राइसेस, और तकरीबन 550 पाउंड तक ये इसकी कॉस्ट गई थी, मोर देन और इससे भी ज़्यादा। जो मुझे पसंद आ रहे थे वो तकरीबन 550 पाउंड का था, मगर वो वर्थ नहीं था कि मतलब उसके, और उसकी लाइफ टाइम की गारंटी भी थी, आपको सर्टिफिकेट भी देंगे और वो लाइफ टाइम के लिए है कि ख़राब नहीं होगा लाइफ टाइम तक। और बहुत अच्छे फ्लावर्स लग रहे थे, रियल फ्लावर है और बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। तो मैंने इसकी एक छोटी सी क्लिप बना ली, वीडियो बना ली, और ये जो है बहुत बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, और जो उसकी लाइफ टाइम की गारंटी थी वो उसमें है कि ख़राब नहीं होगा। और ये एक छोटी सी शॉप थी बॉडी शॉप, मैंने उस पर थोड़ी सी वीडियो बना ली। यहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी इस वक्त, तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसकी छोटी सी वीडियो बना ली है। और ये शॉपिंग सेंटर जो है इसमें ये अच्छी बात है कि यहाँ आपको वाईफाई मिल जाता है फ्री में, पोस्ट ऑफिस की सहूलत है इसमें, और आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे, ये अच्छी चीज़ है। मोबाइल फ़ोन स्टेशन है और ड्रिंकिंग वाटर है फ्री में यहाँ पर, ATM फ्री है आपके लिए, और ऑल द फेथ जितने भी मज़ाहिब हैं उनके लिए प्रे रूम बनाया हुआ इन्होंने, नमाज के लिए अच्छा है कि आप प्रे कर सकते हैं। और ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पे पार्किंग बहुत अच्छी है इनकी, और बहुत अच्छा शॉपिंग सेंटर है, और बहुत बहुत वाइल्ड है शॉपिंग, बहुत खुला खुला है। और ये जो है बसेस के करीब है, आपको ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ता, स्टेशन बसों के लिए अंडरग्राउंड के सामने ही है ये शॉपिंग सेंटर। और ये शॉपिंग सेंटर जो है, ये फ़्लावर्स का दोबारा आ गया व्यू, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे फ़्लावर्स, मगर ये बहुत एक्सपेंसिव थे। और यहाँ पे कुछ हैंडबैग्स, डिज़ाइनर शॉप्स भी हैं। और जो यहाँ पे एक दफ़ा का वाकया है कि मैं यहाँ पे गई थी, तो यहाँ पे सेल में तकरीबन जो हैंडबैग था वो फ्लोर पर रखा हुआ था, और उसकी जो प्राइस थी सेल में 400 पाउंड थी, तो मैंने कहा ये तो वर्थ नहीं है। और तकरीबन 2000 पाउंड के भी हैंडबैग्स हैं यहाँ पे, 2000 से 3000 पाउंड के भी हैंडबैग्स हैं, मगर इट्स टू एक्सपेंसिव ना, ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मेरे हस्बैंड ने तो कहा भी कि इतने में तो पूरा, कहने लगे कि इतना एक्सपेंसिव क्यों है, तो कहने लगे ये लैम की स्किन का है, तो कहने लगे इतने में तो लैम आ जाएगा, तो इसकी इस बैग के लिए नहीं क्या ज़रूरत है। और इसको बहुत अच्छी तरह इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, ये इस तरह से फ्लावर पूरी ग्रीन वॉल बनाई हुई है, यहाँ फाउंटेन बहुत अच्छा है, और इसका ऊपर जो है यहाँ पे पूरा एक खाने का जो रेस्टोरेंट्स बने हुए वो पूरा एक फ्लोर है वहाँ पे, आप बहुत हलाल फूड भी मिल जाता है, वेजिटेरियन भी मिल जाता है यहाँ पे बहुत अच्छा फूड, और ड्रिंक्स भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं, पानी फ्री है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत अच्छे सिटिंग एरिया है, आप बहुत अच्छी तरह आप आराम से बैठ